हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉप मस्ट में। बॉलीवुड का पहला रियल किस जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। दोस्तों, एक दौर था जब बॉलीवुड में लिप किस को फिल्माना बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन समय के साथ बॉलीवुड ने अपने आप को बदला और आज फिल्मों में लिप किस आम बात हो गई है। आज के समय में बॉलीवुड में सबसे अच्छा किसर इमरान हाशमी को माना जाता है, तो वहीं सलमान खान ने किसी फिल्म में लिप किस तक नहीं किया है। दोस्तों, पहली बार अभिनेत्री देविका रानी ने 1933 में पहली बार पर्दे पर किस करने से हलचल मचा दी थी। उनके पति हिमांशु राय भी फिल्म बनाते थे। जर्मन फिल्मकार फ्रांस ऑस्टिन के साथ मिलकर उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को शक्ल दी। करीब 82 साल पहले देविका रानी पर फिल्माए गए इस किसिंग सीन की टाइमिंग 4 मिनट थी, जो आज भी हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, 60 के दशक से पहले बॉलीवुड में रोमांस का मतलब सिर्फ दो फूलों के मिलने वाला सीन हुआ करता था, या फिर पुरुष ही महिलाओं का किरदार निभाया करते थे। वहीं देविका रानी हिंदी फिल्मों की पहली हिट हीरोइन बनी। 9 मार्च 1994 में देविका रानी दुनिया से अलविदा हो गई, लेकिन देश की अन्य महिलाओं को एक्टिंग के क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरणा दे गई। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।